आपकी पूरी डिटेलिंग जब निकल के आ रही है तो इस बार आपके पिछले दो टर्म से भी ज़्यादा अटेंड, डेढ़ साल का ही वक्त मिला है हमें, तो जितना ज़्यादा लोगों से हमने सोचा इंटरेक्ट करने इस पीरियड में तो उतना बेहतर होगा। और उन सब इंटरव्यूज़ में आप काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, धीरे से बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दबाव की राजनीति का कर रहे हैं और इससे कोई भी वर्ग या समाज छूट नहीं रहा है। हमारा तो पूरा देश ही भाई है। अपने आप लाइक उसने कहा कि मुझे अपनी मम्मी का प्रचार करना है, एंड शी वाज एक्साइटेड बाय द फैक्ट दैट कि आप खुद ही बेटरमेंट की तरफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को मेंटोर नहीं बनाना चाहती हैं आप? हो सकता है फ्यूचर बना लें किसी को। उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट की में अगर हम बात करें मैनपुरी की, तो सबको पता है कि किस तरह से लगातार यहाँ पर एक छत्र राज रहा है समाजवादी पार्टी का। लेकिन इस सब के बीच में एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, मुलायम सिंह यादव जी जो कि जाने जाते थे संसद में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस में, वहीं पर डिम्पल जी ने भी 67% इस बार की अटेंडेंस रखी है। दिस इज़ वेरी गुड। और जो कि एवरेज रहता है 79%, तो आपकी पूरी डिटेलिंग जब निकल के आ रही है तो इस बार आपके पिछले दो टर्म से भी ज़्यादा अटेंडेंस इस बार रही है, तो संसद में भी एक्टिव और ग्राउंड पर भी इस बार बहुत ज़्यादा एक्टिव, कैसे इस बारे में आप कहेंगे, मतलब योर इंटरेस्ट इज़ गेटिंग मोर इनटू पॉलिटिक्स नाउ? क्योंकि डेढ़ साल का ही वक्त मिला है हमें, तो जितना ज़्यादा लोगों से हमने सोचा इंटरेक्ट करने इस पीरियड में तो उतना बेहतर होगा। और क्योंकि दोबारा टिकट पार्टी की तरफ से मिली है, तो मैं समझती हूँ इस वजह से भी थोड़ा सा लोगों के बीच में इंटरेक्शन अब ज़्यादा है। लेकिन मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे हैं पिछले दिनों, स्पेशली अभी कुछ वक्त के, और उन सब इंटरव्यूज़ में आप काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, धीरे से बोलते हैं लेकिन बहुत सही जवाब आप दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ऑफकोर्स, क्योंकि कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे थे जिसमें लग रहा था कि अभी डिम्पल जी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत हार्ड रूड श्रूड थोड़ा सा होना पड़ता है, एंड योर लुक इज़ क्वाइट सॉफ्ट काम। थैंक यू अगेन। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आप मैनेज करेंगे, ये भी तो है ना? नहीं नहीं, आई थिंक पर्सनैलिटी की बात होती है, बिकॉज एवरी पर्सन कैन नॉट बी द सेम, एंड पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट यू नो, थोड़ा बहुत जैसे आपने कहा कि शूडनेस होती है, लेकिन आपको हर तरीके के लोग पॉलिटिक्स में मिल जाएंगे। और आज जब मैं आ रही थी आपके इंटरव्यू के लिए मैनपुरी में, मैंने एक लंबी चौड़ी भीड़ देखी, योगी आदित्यनाथ भी यहीं पर है मुख्यमंत्री, और उन्होंने इतने सारे बुलडोज़र वहाँ पर थे, उनको माला पहनाई हुई थी, तो बुलडोज़र के साथ मैनपुरी में एंट्री का क्या मतलब समझे? मैं समझती हूँ बुलडोज़र का जो मुझे समझ आता है जो इंडिकेशन है, वे दबाव की राजनीति की ओर संकेत है कि अब लोकतंत्र देश से समाप्त होने का समय आ गया है, अब बुलडोज़र यानी कि दबाव की राजनीति से हम देश को चलाएंगे। तो ये बुलडोज़र जो है दबाव की राजनीति का और लोकतंत्र की हत्या का प्रतीक है। तो बुलडोज़र का मैनपुरी में आना, वो एंट्री, मैं समझती हूँ ये तो मैनपुरी क्योंकि शहर में आया होगा, तो मैनपुरी के शहर के लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें किस तरह की राजनीति के साथ रहना है, क्योंकि हमेशा से हम सभी समाजवादी रहे हैं, और मैनपुरी शहर हो चाहे ग्रामीण हो चाहे कोई भी विधानसभाएं हो पांचों की पांचों, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकारें आई हैं तो हमारी प्राथमिकता रही है कि यहाँ पर लोगों का विकास हो, यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिले, अच्छी सुविधाएँ हों स्वास्थ्य की शिक्षा की। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जो मौजूदा जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दबाव की राजनीति का कर रहे हैं और इससे कोई भी वर्ग या समाज छूट नहीं रहा है। हो सकता है आज जो परिस्थितियाँ हैं कल इससे भी खतरनाक परिस्थितियाँ हो जाए। आप अपने भाषण में लगातार सबको ये बात कह रहे हैं, मैंने आपके कई भाषण सुने कि संविधान बदल देंगे, बिकॉज ये वास्तविकता है, क्योंकि हमें समझना होगा कि जिस तरह ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी पॉलिसी या कोई भी बिल लेके आए तो आवाज़ ना उठे, कि किसान अपनी आवाज़ ना उठाए, युवा अपनी आवाज़ ना उठाए, शिक्षा भर्ती वाले लोग अपनी आवाज़ ना उठाए, सब पे लाठियां बज जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये बहुत ही असंवेदनहीन सरकार है जो लोगों की बात ना सुन के अपनी मनमानी और दबाव की राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कई बार, पिछली बार जब श्री बघेल थे और काफ़ी कुछ सिचुएशंस इस तरह से दिखाई दी थी, एक ऐसा मैनपुरी पर कब्ज़ा करना, विपक्ष आपके लिए जो विपक्ष है उनका मैनपुरी पर कब्ज़ा करना मेन एजेंडा रहता है, और उस वक्त में
लगभग सभी लोग चुनाव में लगे हुए थे, आपके परिवार से भी, पार्टी से भी, लेकिन इस बार डिंपल यादव जो हैं वो अकेले चुनाव में पूरा रण संभाल रही हैं और साथ में बीटी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे हमारे समर्थक, सहयोगी, हमारे पार्टी के सभी लोग, बहुत लोग आके जुड़ रहे हैं, नए लोग चेहरे सामने आ रहे हैं जो जुड़ना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ सबका सहयोग साथ मिल रहा है। ऑलमोस्ट सब लोगों को आप सबसे परिचित हैं, जितने लोग मिलते हैं? काफ़ी हद तक, और जिनसे नई मुलाकात होती है, और ख़ासतौर से महिलाएँ। मैं समझती हूँ कि संगठन के लोग, कार्यकर्ता और काफ़ी अतिरिक्त लोग से भी हम डायरेक्टली कनेक्ट बना रहे हैं। अदिति को आपने कुछ टिप्स दिया है? नहीं, अदिति अपने आप, लाइक उसने कहा है कि मुझे अपनी मम्मी का प्रचार करना है, एंड शी वॉज एक्साइटेड बाय द फैक्ट दैट कि उनकी मम्मी चुनाव लड़ रही है माँ, और उसको अपना थोड़ा सा शायद योगदान देना था, या शी वॉन्टेड टू बी सपोर्टिव टूवर्ड्स हर मदर, तो शी हैज जस्ट कम। लेकिन लोग चर्चा करने लगे। चर्चा तो हर चीज़ की होती है कि राजनीति में अदिति का इंटरेस्ट है, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि वो अपने खाली माँ का सहयोग करने आई। माँ का सहयोग करने, आपने कुछ टिप्स इन दिनों खास तौर से स्पेशली फ्रॉम अखिलेशी? नथिंग एट ऑल। योगी आदित्यनाथ उसी स्टेट से हैं जहाँ से आपके मायका का कहा जाता है, उत्तराखंड, तो कोई संदेश भाई होने का, कुछ ऐसा कनेक्शन कभी आपको लगा कि मैं कम से कम उनको यही कह दूँ? हमारा तो पूरा देश ही भाई है। कोई संदेश उनके लिए नहीं? आज वो हैं यहाँ आपके मैनपुरी में? नहीं, कोई संदेश नहीं। मायावती भी मैंने सुनी, वो भी आज यहाँ पर आ रही हैं मैनपुरी में? मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है। तो कुल मिलाकर के बड़ी टक्कर के उसमें एक बड़े चेहरे के तौर पर डिंपल यादव जो हैं मैनपुरी से इस वक्त दिखाई दे रही हैं, रिकॉर्ड मार्जिन पर सबकी नज़र है। जीत पर तो शक मुझे दिखाई नहीं दिया, ज़्यादातर लोगों से बात हुई, लेकिन रिकॉर्ड पर नज़र आ रही है। अब काफ़ी सारे सांसद आपसे प्रतिस्पर्धा में आ गए हैं कि इनके साथ में रिकॉर्ड देखा जाए कि मैं ज़्यादा वोट से जीत रहा हूँ या फिर डिंपल जीत रही हैं, जो जीतना चाह रहे हैं वो आपसे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं इसमें? इस बारे में मुझे पता नहीं, आपके थ्रू ही मुझे पता चल रहा, बिकॉज अभी ये तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही कॉन्सेंट्रेट करें। मैं एक लास्ट सवाल आपसे करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम भी जिस तरह से इस वक्त में है, काफ़ी बीच में एक केंद्रीय मंत्री की भी तबीयत बीच में ख़राब हुई थी चुनाव प्रचार करते हुए, आपको लगता है ये सारी तमाम तरह की चुनौतियाँ हैं घर से बाहर निकल के करना और सब कुछ? ये हमारे लिए भी चुनौती है, हमारे वर्कर्स के लिए भी चुनौती है, जो मतदाता है उनके लिए भी चुनौती है, और जो लोग सहयोग करने आते हैं, साथ देने आते हैं, जो मीटिंग्स में आते हैं, तो ये सभी के लिए चुनौती है। तो मतलब मैं समझती हूँ जो प्रकृति है वो सबके लिए समान है। अखिलेश जी और राहुल जी एक साथ दिखाई दिए, प्रियंका गांधी और आप चुनाव प्रचार करते हुए साथ में दिखाई देने का कुछ प्लान है अभी? अभी तक तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है। तो डिंपल जी, आप का एक इंटरव्यू और मैंने देखा था जिसमें आप सुप्रिया सुले की बात कर रही थी, सुप्रिया सुले आपकी अच्छी दोस्त है, उनसे आपने कुछ पॉलिटिकल टिप्स लिए या किसी को मेंटोर के तौर पर आप देखती हैं? क्योंकि मैंने ये भी देखा कि आप किसी को मेंटोर नहीं अभी ऐसा सोच रही हैं, आप खुद ही वर्किंग कर रही हैं, ऐसा आपने कहा? राइट, एब्सोल्युटली राइट। आप खुद ही बेटरमेंट की तरफ काम करने की कोशिश कर रही हैं, किसी को मेंटोर नहीं बनाना चाहती हैं आप? हो सकता है फ्यूचर बना लें किसी को। बट दिस इज सो स्वीट। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अभी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में आंकलन लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो शायद 20 तक का आंकड़ा कैच कर रहे, ऐसा लोग कह रहे हैं जी, आंकलन लगा रहे हैं। आप कह रही हैं 50, मैंने आपका एक इंटरव्यू और देखा, 40 बोला था, आपने 10 बढ़ा दिए। तो 40 आप मानकर चल रही हैं इसमें, तो 40 जो है यानी 50-50 आप देख करके चल रही हैं सिचुएशन इस वक्त। कोई खास संदेश मैनपुरी की जनता के लिए आप देना चाहती हैं? मैं बोल चुकी हूँ कि अब पहले मैंने बोला कि हमें डिसाइड करना है मैनपुरी की जनता को कि उसे किस तरह की सरकार चाहिए और किस तरह का देश के हालात कैसे हो फ्यूचर में वो चाहिए। जिस तरह मैं देखा है कि दबाव की राजनीति का प्रयोग सारे लेवल्स पे हो रहा है, एज इन लाइक फ्रॉम मुख्यमंत्री ले लीजिए, जैसे आप जेल में डाल दिए गए हैं, एंड फिर आप मेयर के चुनाव देख लीजिए, फिर आप चेयरमैन के चुनाव देख लीजिए, उसके बाद आप जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव देख लीजिए, और फिर जो आप दबाव बना रहे हैं सदस्यों पे, पूर्व सदस्यों पे, प्रधानों पे, पूर्व प्रधानों पे, तो ये एक तरह का मोड़ है जहाँ पे लोगों को डिसाइड करना है, निर्णय लेना है कि वो किस तरह की राजनीति चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि लोकतंत्र देश में स्थापित रहे या ना रहे। ठीक है, मैनपुरी को लेकर आपने 16 बार सवाल पूछा संसद में, आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि और ज़्यादा सवालों का नंबर जो है गणित और बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू सो मच डिंपल जी, एंड गुड लक फॉर योर इलेक्शन। थैंक यू सो मच।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।